धीरज और मैं शिष्य में आपका स्वागत है। देखते हैं आज यूपीपी भाग तीन का चौथा लेसन है महत्तम समापवर्तक योग लघुत्तम समापवर्तक। तो पहला सवाल कह रहा है दो की घात तीन गुणे तीन की घात दो गुणे पाँच की घात चार तथा दो की घात दो तीन की घात दो गुणे पाँच गुणे सात का मासा क्या होगा। अब देखिए मासा जो होता है वो एक प्रकार से बहुत ही आसान होता है अगर गुणे के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए मासा होता क्या है, आपको उस अंक को लिखना है जो दोनों में मिला। देखिए दो तीन, हम घातों की बात नहीं कर रहे हैं, ये आधार की बात कर रहे हैं, दो तीन पाँच। तो जो जो संख्या मिल रही पहले उसको लिख लेंगे, दो गुणे तीन गुणे पाँच, ठीक। जो दोनों में मिल रही, देखिए दो तीन पाँच, दो तीन पाँच दोनों में मिल रही, यानी इस संख्या में भी और इस संख्या में भी। अब बात करते हैं मासा में क्या होता है, घात सबसे कम ली जाती है। अगर जब हम दो की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर है दो की घात तीन और यहाँ पर है दो की घात दो, तो जो सबसे कम होगी वही लेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं तीन की घात दो यहाँ पर भी है, तीन की घात दो यहाँ पर भी है, तो हम इसको दो लिख लेंगे। अब पाँच की बात करें तो देखिए यहाँ पर घात है चार और यहाँ पर घात कितना है एक, तो हमने बताया सबसे कम वाला लेंगे मासा में, ठीक। तो ये हो जाएगा दो दुना चार, तीन तिया नौ गुणे पाँच। तो इसको जब गुणा करेंगे पाँच चक्को बीस और नौ, बीस और नौ की गुणा करेंगे यानी 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही की जगह पर लासा पूछ ले, ठीक, मासा लासा में बस इतना फर्क होता है, मासा में क्या होता है उस संख्या को लिखा जाता है जो दोनों तरफ मिल रहा हो, जैसे दो तीन पाँच दो तीन पाँच, और लासा में क्या होता है उस संख्या को लिखना है, जैसे सब अंक लिखना है दो तीन पाँच और सात, यानी इधर और इधर जितने भी अंक हो सबको लिखना है, जैसे दो है तीन है दो तीन पाँच और सात, एक ही बार लिखना, लिखा जाए इधर भी और इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होता है, इसमें घात लिखी जाती है सबसे कम और इसमें घात लिखी जाती है सबसे ज़्यादा। जैसे दो की बात करें तो इधर घात लिखा है तीन और इधर लिखा है दो, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है तीन, इधर तीन की घात दो है इधर भी तीन की घात दो है तो दो। अब पाँच की बात करें तो देखिए इधर है एक और इधर है चार, तो हम बड़ी घात लिखेंगे चार। अब बात करते हैं सात, तो सात सिर्फ इधर ही है और इसकी बड़ी घात कितनी है यानी एक। अब देखिए इसको दो दुना चार दूनी आठ, तीन तिया नौ, पचम पच्चीस और पच्चीस, और देखिए पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच, पचम पच्चीस, पचम पच्चीस और पच्चीस पच्चीस की गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 625 गुड़े सात, ठीक। तो आप इसकी गुणा करके लिख देना, या फिर देखिए नौ सत्ते 63 होता है और 8 की इसमें गुणा करने जा रहे हैं, तो 8 पंचे 40, 8 दुनी 16 चार 20, 8 संग 48 और 2 50, ठीक। अब देखिए 50 की जब 63 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और 1 31 और बाकी ये 3 0, ये हमारा लासा हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा मासा हो जाएगा।